हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही यमी और स्वीट रेसिपी। आई होप ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 3 कटोरी बेसन लिया है और उसमें 1.5 चम्मच घी लेके उसे भी अच्छे से मिला दिया है बेसन के साथ। पाँच मिनट के बाद उसमें 3 चम्मच दूध लिया था, मतलब 1 कटोरी बेसन में 1 चम्मच दूध। तो उसी हिसाब से हमारा 3 कटोरी बेसन तो 3 चम्मच दूध, तो इसे अच्छे से मिला लेंगे जैसे कि बेसन का कलर थोड़ा चेंज होने लगे। और उसके बाद उसे 5 मिनट रेस्ट देंगे, फिर उसे ग्राइंडर में पीस लेंगे। अगर आपके पास छन्नी है तो आप उस पर भी छान सकते हो। अब बेसन बनके रेडी हो चुका है, तो अभी एक कढ़ाई में देसी घी लेंगे, ढेर सारा घी लेना है, और उसमें बेसन को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। लो एंड मीडियम फ्लेम में बेसन को भूनना है। ऐसा भूनना है कि उसका कलर भी चेंज हो जाए और उसका जो बेसन का स्मेल है वो भी ना रहे। बीच में थोड़ा थोड़ा करके घी डालना है। और हम यहाँ चाशनी बना लेते हैं, वो धीमी आँच पे बेसन पक रहा है। तो इधर मैंने 1 कप चीनी लिया था, अगर आपको शक्कर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। उसे भी धीमी आंच पे गैस में लगा दिया था, और इधर बेसन को भी देख रही हूँ और उधर चाशनी को भी। फ्रेंड्स, अभी बेसन हमारा एकदम रेडी हो चुका है, पूरा तेल छोड़ चुका है। अभी कलर भी कितना अच्छा चेंज हो गया है बेसन का, और इसका खुशबू इतना अच्छा आ रहा है, काश मैं आपको बता सकती हूँ कि खुशबू कैसा आ रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। मैंने उसमें मतलब जैसे 3 कटोरी बेसन लिया था तो 1 कटोरी दूध मैंने लिया था, तो थोड़ा थोड़ा करके डालने से देखो कलर एकदम चेंज हो गया है इसका। दूध अच्छे से मिल जाने के बाद जो चाशनी बना के रखा था वो भी हमारा रेडी हो चुका है। इसमें तार बनने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा लगे कि चाशनी बन गया। धीमी आंच में ही चाशनी मैंने बनाया था। अगर आप इसमें एक्सपीरियंस नहीं हो तो आप धीमी आंच में ही बनाओ, मुझे चाशनी बनाने में बहुत डर लगता है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके चाशनी ऐड करेंगे और बेसन को घोलते जाएंगे ताकि वो अच्छे से मिल जाए। अब मैंने गैस ऑफ कर लिया है और एक पैन लिया है, और उसमें थोड़ा सा घी चारों तरफ ऐसे फैला के लगा देना है। फिर मैंने जो बेसन का घोल बनाया था उसे निकल के उसे चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है। फ्रेंड्स, ये मिठाई बहुत टेस्टी होता है, आप ज़रूर घर पे बनाइए, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। और यहाँ मेरे पास ड्राई फ्रूट से बस काजू ही थे, आप चाहो तो उसमें आलमंड और पिस्ता भी ऐड कर सकते हो। इसे मैंने छोटे छोटे करके काट के उसके ऊपर फैला दिया है। और जब ही ये गरम रहे उसी टाइम पे इसे ऐसे चाकू से काट देना है, मतलब सेप दे देना है। आपको जैसे पसंद है आप उसी हिसाब से दे दीजिए। मुझे ये क्यूब वाला पसंद है तो मैंने ऐसे ही बना लिया है, और उसे रूम टेम्परेचर में ही मैंने रखा था। 20 मिनट में ही वो अच्छे से बन गया। और ये देखिए हमारा मिठाई बन के रेडी हो गया है। जन्माष्टमी में आप खुद बनाइए, भगवान को प्रसाद भी चढ़ाइए, सब बोलेंगे कि कैसे बनाया, सच में बहुत टेस्टी है ये। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।